लगातार आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं। आप बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और आज शुरुआती दौर से गोल्ड और सिल्वर की कीमतें दबाव में कारोबार कर रही हैं, 40 रुपए के आसपास नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड। अजय बहती, क्या कमेंट होगा आपका सोने चांदी में? क्या अगले 5 से 6 घंटे के लिए आपकी राय बिकवाली की होगी, बेचकर चलना चाहिए? नहीं मृत्युंजय, आई थिंक पिछले 2-3 सेशन अगर हम देखें तो मामूली सी गिरावट जरूर आई है हर सेशन में, बट कहीं ना कहीं अब क्रूशियल सपोर्ट्स नज़दीक है। मुझे लगता है बेटर रहेगा कि ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही चले। गोल्ड जब तक 29,000 के ऊपर है तब तक काफ़ी स्टेबल है। मुझे लगता है 29,150 के तरफ डिप मिले तो डेफिनेटली एक बाइंग कॉल रहेगी। अपसाइड में टारगेट रहेगा 29,450 का। ओके ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए, 29,450 का टारगेट होगा। 29,150 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 28,950 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं गोल्ड में, जून कॉन्ट्रैक्ट में। ये मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की राय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा आस्था जैन, क्योंकि क्रूड का मार्केट आज शुरुआती दौर में रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई है। खबर यह है, कच्चे तेल को लेकर यह खबर जानना आपके लिए ज़रूरी है, और आप ध्यान से सुनिए इस खबर को। कच्चे तेल को लेकर 2-3 तरह की खबरें मार्केट में चल रही हैं। एक जो महत्वपूर्ण खबर, जो ताज़ा खबर है, वो ये कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक घटा है, करीब 10 लाख बैरल की गिरावट आई है, उसका थोड़ा सा सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि स्टॉक घटने के बाद भी यूएस में जो क्रूड का ओवरऑल स्टॉक है वो रिकॉर्ड स्तर के आसपास बना हुआ है, और मई 2016 से अब तक अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 10% बढ़ा है, और ये 92 लाख बैरल के ऊपर चला गया है। आंकड़ों पर गौर करिए, 92 लाख बैरल रोजाना अमेरिका कच्चे तेल का उत्पादन करता है ओपेक और नॉन ओपेक को चुनौती देने के लिए। और यही वजह है कि 25 मई को ओपेक और नॉन ओपेक एक साथ एक मीटिंग करने जा रहा है, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है। इस मीटिंग में ये तय होगा कि क्या जून के बाद भी उत्पादन में कटौती को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, जो फैसला ओपेक नॉन ओपेक की तरफ से पिछले साल लिया गया था। इन तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए अजय बहती, क्या कमेंट होगा आपका कच्चे तेल को लेकर? इनफैक्ट मृत्युंजय, अगर ट्रेंड की बात करें तो 54 डॉलर से हमने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। कल 2 डॉलर से ज़्यादा की गिरावट देखी है। आज मामूली इसी बढ़त जरूर है, लेकिन मुझे लगता है ब्रॉडर ट्रेंड डेफिनेटली सेल का हो गया है। इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज भी बिकवाली करने की। M6 क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो 3345 की तरफ बिकवाली की राय रहेगी। मुझे लगता है ये गिरावट 3240 तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं, राकेश राजस्थान से, ग्वार सीड पर इनका सवाल है। पूछिए राकेश। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, अब ग्वार में क्या करें, खरीदारी करें या नहीं? अभी आगे टारगेट क्या है सर, 10 से 15 दिन का? ओके आस्था जैन, ग्वार में क्या अभी बाइंग का मौका आप देख पा रही हैं? अगले 10 से 15 दिन के लिए आपका टारगेट क्या है ग्वार में? ग्वार की बात करें तो अभी सेलिंग की मैं इनको सलाह देना चाहूंगी। गिरावट का एक दौर हमें इसमें देखने को मिल सकता है, बाइंग ना करें, चाहे तो फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर सकते हैं 3750 के टारगेट के लिए। ओके सुरेंद्र शर्मा हैं राजस्थान से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए शर्मा जी। हाँ जी सर जी, पूछे। मस्टर्ड में अभी जैसे आप मेहता जी भी आप ही कंफ्यूज थे, जो MSP है राजस्थान में हमारे 3750 रुपए है, और हाँ। मंडियों का भाव 3350 है मैक्सिमम, आज और कल की बात करें तो MSP से काफी नीचे है। और ये मैं जाना चाहता हूँ जो आउटलुक है सरसों का आने वाले 15-20 दिनों में, और जो चना है वो 7,000, चना भी मेरे पास मेरे खेत का प्रोडक्शन है, 7,000 रुपए चना कब आ जाएगा, और सरसों MSP का लेवल कब तक आ जाएगा? चलिए आप मस्टर्ड और चने के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं, और अभी अभी हमने इनफैक्ट बात भी की थी कि मस्टर्ड के दाम MSP से नीचे हैं और किसानों को इससे नुकसान हो रहा है। क्या भी होगा आपका अजय बहती, मस्टर्ड के ऊपर, मस्टर्ड का भाव यानी यहाँ MSP के लेवल पे, यानी यहाँ से 300 से 400 रुपए तक फिजिकल मार्केट में, वायदा बाजार में तो MSP के ऊपर है, फिजिकल मार्केट में कब तक आ सकता है, और चने के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? माफ कीजिए मृत्युंजय, मैं फंडामेंटली इतना दोनों काउंटर स्ट्राइक नहीं करता। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? मस्टर्ड की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्राइसेस कंसोलिडेशन पे आनी चाहिए, और यहाँ से हमें एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी ट्रेडर्स है वो अभी यहाँ पे सेल कॉल ना ले, उल्टा अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो बाइंग की सलाह देना चाहूंगी 3750 के लेवल पे। चने की बात करें तो यहाँ से गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स की बात करें तो प्रोडक्शन ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, हाँ। इसलिए गिरावट तो मस्टर्ड में जिस तरह की कॉल यहाँ पर दी जा रही है, गिरावट की संभावना बनी हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जानकार हमारे सोयाबीन, सोया तेल और बाकी एडेबल ऑयल को लेकर के क्या राय रखते हैं, इनकी कॉल क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
कि अगर आप एडेबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो फंडामेंटल, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उसको आप ध्यान में रखकर यहाँ पर ट्रेड करें, क्योंकि फंडामेंटली जो पूरा एडेबल ऑयल का कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ सतपाल हैं हरियाणा से, कॉटन पर इनका सवाल है, पूछिए सतपाल। और कॉटन पर एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि पंजाब में कॉटन की खेती इस बार 50% तक बढ़ सकती है। कई जानकारों का ये मानना है कि इस खरीफ सीज़न में पंजाब में 50% तक कॉटन की बुआई बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा यील्ड वहाँ पर देखने को मिली थी, करीब 756 केजी प्रति हेक्टेयर, और इससे किसान कहीं ना कहीं धान की जगह अब कॉटन की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। ऐसे में कॉटन के ऊपर क्या भी होगा आस्था आपका? कॉटन की बात करें, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बैंक की सलाह देना चाहूंगी 20,800 के स्तर पर 21,200 के टारगेट के। ओके ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ ओम प्रकाश हैं जोधपुर से, पूछिए ओम प्रकाश। ओम प्रकाश आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे सवाल इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अगले कॉलर हमारे साथ रमेश हैं, पूछिए रमेश। हेलो जी, पूछें। हेलो रमेश, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल पूछिए। मेरे पास 200 क्विंटल कपास पड़ा है, क्या भाव पड़े? 200 क्विंटल कपास पड़ा है, क्या करना चाहिए इनको आस्था? इनके पास कपास पड़ा है लेकिन फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें, गोइंग फॉरवर्ड लंबे समय में 1 या 2 महीने में इनको इनके भाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय बहती, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? पहली कॉल M6 क्रूड ऑयल पर रहेगी, बिकवाली की सलाह है 3345 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 3405 का, टारगेट है 3240। ओके आपकी कॉल आस्था जैन। एल्युमिनियम में बैंक की सलाह रहेगी 126 के टारगेट के। आपकी आखिरी कॉल अजय बहती। M6 निकल में 615 पे बिकवाली की सलाह है, टारगेट रहेगा 600 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 625 का। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आप अजय बहती आपका और आस्था जैन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।